बहराइच की सरजमीन पर एक और भाजपा नेता ने विपक्ष के खिलाफ आके गोले बरसाए। नवयुग इंटर कॉलेज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने वोट मांगने के लिए जनसभा बुलाई, वह भी अपने लड़ने के लिए नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी अक्षय बरलाल कौड़ के लिए आम जनता से वोट देने की गुहार की। इस जनसभा का आह्वान वरिष्ठ भाजपा नेता व बलहा प्रभारी योगेश प्रताप सिंह ने किया और इस आह्वान जनसभा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जैसे परशुराम कुशवाहा, श्रीनाथ शुक्ला, श्याम करण टेकरीवाल, जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ जीतू, योगेश प्रताप सिंह उर्फ बैजू भैया, वह जिला प्रभारी पूर्णिमा वर्मा भी मौजूद रही। भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। यही नहीं, भाजपा सरकार ने अब तक क्या क्या राहत के कार्य जनता के लिए किए हैं यह सब भी बयां कर दिया। इनका कहने से क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को? इतना ही फर्क पड़ा है कि राहुल गांधी जी को अमेठी छोड़ करके केरल भागना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि धारा 370 हटेगी क्या? महबूबा ने कहा है कि सर मोदी जी नाता तोड़ेंगे अगर मोदी जी हैं तो जो भाषा जो बोल रहा है उसको किस भाषा में जवाब मिलना चाहिए, देश का भरोसा छोड़ करके भागने वाले हैं। और आने वाले समय में कोई इटली भागेगा, कोई और कहीं भागेगा, मोदी जी की लहर चल रही है। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। कमल 2014 से बड़े अंतर से खिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार